हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल VIP एडवांस टेक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सर्वेइंग इंजीनियरिंग अपना कर रहे हैं और जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना, और part-7 आज हम दोस्तों लेकर आए हैं। अभी तक हम part-6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। part-6 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग हमारे जो 60 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज उससे आगे हम दोस्तों क्वेश्चंस देखेंगे अपने, और गाइस आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक्स। और जो लोग वीडियो को फ्रेंड्स लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ यार गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1000 क्वेश्चंस कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन और आंसर अपने। जो MCQ हैं फ्रेंड्स वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, वो टॉपिक होगा मेरा चैन फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, एडजस्टमेंट और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा जब भी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, चैनिंग से जब हम मेजरमेंट करते हैं, चैनिंग हम करते हैं और चैन से मेजरमेंट करते हैं, तो उस केस में चैन फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, उसको एडजस्ट कैसे करना है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये फैक्टर जो होते हैं फ्रेंड्स काफ़ी मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेसिंग ऑफ फिक्सिंग और स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट इज़ नोन एज, यानी कि फ्रेंड्स जब हम चैनिंग करते हैं तो चैनिंग करते हुए हमारी चैन इतनी लंबी तो होती नहीं कि हम उससे एक बार में ही मेजरमेंट ले लें, तो जो प्रोसेस होती है हमारी या इस्टेब्लिशिंग जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो सर्विंग की लैंग्वेज में उनको हम क्या बोलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब मान लो एक चैन से यहाँ से ए से बी तक की रीडिंग ले ली हमने, ठीक है, दूसरी चैन से बी से सी तक की ले ली, तो ये जो बीच का इंटरमीडिएट स्टेशन है इसको हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश करते हैं, इसको हम एक जगह मतलब एक यूज करते हैं, उसको बताना है सर्विंग की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, चेनिंग बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं, कंटूरिंग बोलते हैं या लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन एक्सीड्स द लेंथ ऑफ चैन, फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है आपकी वो चैन से ज़्यादा हो जाती है, चैन से ज़्यादा हो जाती है आपकी जो सर्वे लाइन है। मान लो आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, एक प्लान है जिसका आपको मेजरमेंट लेना है, तो ये जो लेंथ है, ठीक है, आप इसको एक बार में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो लेंथ है सर्वे लाइन की वो बहुत ज़्यादा है चैन लेंथ से, ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। सम यहाँ पे कह रहा है कि सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स विल हैव टू इस्टेब्लिश इन अ लाइन विद टू टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है, बिफोर चेनिंग इज स्टार्टेड, ठीक है फ्रेंड्स। कहते क्या हैं कि वही जो ए से बी तक हमने क्या करा, इस्टेब्लिश करा ए से बी और जो इंटरमीडिएट पॉइंट बनाया, तो यहाँ से नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकेंड पॉइंट होता है इसको हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और इस्टेब्लिशिंग सच आ इंटरमीडिएट पॉइंट इज़ नोन एज रेंजिंग, फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, हमने रीडिंग ली ए से कहाँ तक ली, बी तक ली, ठीक है, फिर बी से जो चेनिंग करेंगे कहाँ तक करेंगे, सी तक, तो ये जो बी पॉइंट होगा इसको इंटरमीडिएट स्टेशन बोलेंगे, और इसको जो हम बोलते हैं, इसको इस्टेब्लिश करने की प्रोसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम रेंजिंग, क्या बोलते हैं उसको, रेंजिंग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू हमसे क्या कह रहा है, डायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन टू एंड्स ऑफ द सर्वे लाइन आर, फ्रेंड्स हमको कह रहा है कि जो हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेंजिंग होती है, ठीक है, वो दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट रेंजिंग होती है और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है, तो हम दोनों देखेंगे क्या डायरेक्ट होती है और क्या इनडायरेक्ट होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन टू एंड्स ऑफ सर्वे लाइंस आर, जब दो लाइंस जो होते हैं हमारे, जो सर्वे लाइंस के दोनों एंड्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कह रहा है कि अब हमको ए से बी तक लेना है, ए से बी तक हमें सर्वे लाइन मेजर करनी है, तो ये दोनों जो पॉइंट्स होते हैं हमको, ये क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, तब हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, इनविजिबल होते हैं, इंटरविजिबल होते हैं, विजिबल फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से विजिबल होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि फार अवे फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तब हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है।
चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रेंजिंग इज द टाइप ऑफ रेंजिंग इन विच टू पॉइंट्स ऑफ रेंजिंग आर चूजन इन सच अ वे दैट दे आर इंटरविजिबल। यानी कि फ्रेंड्स कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमको डायरेक्ट रेंजिंग करनी है ए से लेकर बी तक की तो ये दोनों पॉइंट्स जो होने चाहिए इंटरविजिबल होने चाहिए। अगर ए से देखें तो बी पॉइंट दिख जाना चाहिए और बी से देखें तो ए पॉइंट विजिबल होना चाहिए। ठीक है तो उस केस में हम क्या करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग अपनी करते हैं। ठीक है इफ़ टू पॉइंट्स चूजन आर नॉट इंटरविजिबल और हमने जो दो पॉइंट चूज़ किए हैं अगर वो एक दूसरे से विजिबल नहीं है देन इनडायरेक्ट रेंजिंग इज डन। और उस केस में हम कौन सी रेंजिंग करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। ठीक है तो ध्यान रखना आपको डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है कि अगर डायरेक्ट रेंजिंग आप तब करते हैं जब दोनों पॉइंट्स आपको क्या हों इंटरविजिबल हों और जब आपको पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं होंगे तो आप कौन सी करेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपको डायरेक्ट रेंजिंग करनी है तो दोनों पॉइंट्स आपके इंटरविजिबल होने चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर थ्री आप देख सकते हैं इफ़ रैपिड स्वीप विद राइट हैंड सिग्नल्ड बाई सर्वेयर देन द एक्शन बाई असिस्टेंट इज़। फ्रेंड्स कहना क्या चाह रहा है कि आपका रैपिड स्वीप का मतलब होता है कि आपका जो बहुत तेज़ी से विद राइट हैंड सिग्नल्ड बाई सर्वे यानी कि एक सर्वेयर जो होता है अपने राइट हैंड से क्या करता है बहुत जल्दी क्या करता है बहुत तेज़ी के साथ स्वीप करता है यानी कि एक तरफ को इशारा करता है सिग्नल देता है। ठीक है सर्वेयर देन द एक्शन बाई असिस्टेंट तो उसका जो असिस्टेंट होगा उसका जो रिएक्शन होगा एक्शन होगा वो हमको बताना है क्या होगा। ठीक है फ्रेंड यानी कि अगर सर्वेयर क्या करता है अपने राइट हैंड से सिग्नल देता है बहुत तेज़ी के साथ तो जो उसका असिस्टेंट होगा जिसने दूसरा कॉर्नर पकड़ा हुआ होगा या दूसरा हैंड आपका पकड़ा हुआ होगा चैन का तो उसका क्या एक्शन होगा वो मुझे बताना है। ठीक है कौन से हैंड से कर रहा है फ्रेंड्स राइट हैंड से तो मूव स्लोली टू द राइट या फिर मूव कंसिडरेबली टू द राइट या कंटिन्यू टू मूव द राइट या फिर प्लम्ब द रोड ऑफ द राइट। ठीक है इसको बताना है इसका फ्रेंड एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। रैपिड स्वीप बाय द सर्वेयर इम्प्लाइज मूव कंसीडरेबली राइट हैंड ऑफ द सर्वेयर इम्प्लाइज दैट द असिस्टेंट हैज़ टू मूव राइट साइड। यानी कि फ्रेंड्स कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपका क्या करता है जो सर्वेयर है ठीक है एक सर्वेयर होता है फ्रेंड्स और एक उसका असिस्टेंट होता है जब आपका चैन सर्वे होता है। ठीक है तो सर्वेयर क्या करता है अगर आपका राइट हैंड से रैपिडली स्वीप करता है रैपिड स्वीप करता है तो उस केस में जो आपका असिस्टेंट होगा वो कंसिडरेबली मूव करेगा राइट में कहाँ पर मूव करेगा राइट में। ठीक है तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मूव कंसिडरेबली टू द राइट। ठीक है कंसिडरेबली का मतलब होता है कि लगातार वो क्या करता रहेगा मूव करता रहेगा यानी कि जब तक वो अपना हाथ हिलाता रहेगा राइट की तरफ को अपना हाथ क्या करेगा हिलाता रहेगा सर्वेयर तब तक जो उसका असिस्टेंट होगा वो राइट साइड की तरफ क्या करता रहेगा मूव करता रहेगा। ठीक है तो मूव कंसिडरेबली टू द राइट आपने देखा होगा जब आपका चैन सर्वे होता है तो उसमें क्या होता है एक सर्वेयर होता है एक असिस्टेंट होता है तो जैसे जैसे सर्वेयर क्या करता है इशारे करता है उसको जैसे जैसे उसको सिग्नल देता है वैसे वैसे असिस्टेंट क्या करता है वर्क करता है। तो इसी की बात कर रहा है कि अगर आपका जो सर्वेयर है वो राइट हैंड से सिग्नल करता है वो भी रैपिड स्वीप करता है यानी कि बहुत तेज़ी के साथ क्या करता है उसको करता है तो उसमें क्या होगा कंसिडरेबली जो आपका असिस्टेंट होगा वो राइट साइड में ही मूव करता रहेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ठीक है इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर आपका सर्वेयर लेफ्ट हैंड से सिग्नल दे रहा है राइट हैंड से सिग्नल दे रहा है आपके लेफ्ट हैंड को अप कर रहा है राइट हैंड को डाउन कर रहा है तो किस तरीके का आपका जो असिस्टेंट होगा उसका रिएक्शन होगा। ठीक है वो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ राइट हैंड एक्सटेंडेड बाई सर्वेयर देन एक्शन बाई द असिस्टेंट शुड बी। यानी कि कहना चाह रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपका राइट हैंड एक्सटेंड करता है यानी कि जो सर्वेयर होता है वो अपना जो उसका राइट हैंड है जो उसका सीधा हाथ है वो उसको आगे की तरफ बढ़ाता है एक्सटेंड मतलब आगे की तरफ बढ़ाता है देन एक्शन ऑफ द असिस्टेंट शुड बी जो उसका असिस्टेंट होगा जिसने चैन दूसरे हैंडल पर पकड़ा हुआ होगा उसका क्या एक्शन होगा ये मेरे को बताना है। इफ़ राइट हैंड इज एक्सटेंडेड ठीक है राइट हैंड को वो एक्सटेंड कर रहा है तो मूव स्लोली टू द राइट मूव कंसिडरेबली टू द राइट या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कंटिन्यू टू मूव टू द राइट या फिर प्लम्ब द रोड टू द राइट। ठीक है इसका सही आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों
तो बिल्कुल दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। एक्सटेंड हैंड ऑफ द सर्वेयर इम्प्लाइज दैट द असिस्टेंट शुड कंटिन्यू टू मूव। यानी कि फ्रेंड्स, अगर क्या करा है आपने, सर्वेयर ने क्या करा है, अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाया है, जो उसका राइट हैंड है उसने आगे की तरफ बढ़ाया है, तो जो असिस्टेंट होगा उसका वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। राइट हैंड ऑफ द सर्वेयर इम्प्लाइज दैट द असिस्टेंट हैज़ टू मूव राइट। और अगर आपका क्या कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका अगर क्या करता है, सर्वेयर हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, तो मतलब उसको क्या है, कंटिन्यूसली मूव करना है, उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, मूव करना है। लेकिन अगर वो राइट हैंड को क्या करता है, इम्प्लाइज करता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका असिस्टेंट होगा वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, कंटिन्यू टू मूव टू द राइट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा राइट साइड में, ठीक है, जब तक वो अपना हाथ एक्सटेंड करे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, राइट आर्म अप एंड मूव टू द राइट बाय द सर्वेयर, देन द एक्शन ऑफ असिस्टेंट शुड बी। यानी कि फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि राइट आर्म अप, जो राइट आर्म है फ्रेंड्स उसकी, जो सर्वेयर है उसने अपनी अप कर लिए, यानी कि ऊपर की तरफ कर लिए, मूव टू द राइट, और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है राइट की तरफ, यानी कि राइट आर्म को ऊपर करके वो राइट की तरफ मूव कर रहा है आपका सर्वेयर। देन द एक्शन ऑफ असिस्टेंट्स, तो हमको बताना है जो असिस्टेंट होगा उसका क्या एक्शन होगा, उसके बारे में हमको बताना है कि उसका एक्शन क्या होगा। ठीक है, जब अपने वो राइट आर्म को ऊपर करके, यानी फ्रेंड्स अगर कोई भी सर्वेयर है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा, अगर वो क्या करता है अपने राइट आर्म को क्या कर लेता है, ऊपर की तरफ कर लेता है, जो उसका राइट आर्म होगा वो ऊपर की तरफ कर लेता है, और मूव करता है वो किस तरफ, मूव करता है राइट की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ, राइट हैंड अप करके मूव करता है, तो असिस्टेंट का रिएक्शन क्या होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मूव स्लोली राइट, मूव कंसिडरेबली टू द राइट, ये कंटिन्यू टू मूव द राइट, या प्लम्ब द रोड टू द राइट। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर सर्वेयर ने अपनी आर्म अप कर रखी एंड मूव By the surveyor implies that the assistant has to plumb the road। यानी कि जो plumb होता है फ्रेंड्स, plumb होता है ना, तो plumb जो रोड होती है उसको क्या करना है, उसको होल्ड करके रखना है, उसको राइट की तरफ होल्ड करना है। ठीक है, राइट हैंड ऑफ सर्वेयर इम्प्लाइज दैट असिस्टेंट हैज़ टू मूव राइट साइड, और जो उसका राइट हैंड है वो किस चीज़ को बताएगा कि उसको मूव करना है राइट साइड में। ठीक है, यानी कि अगर आर्म अप की हुई है तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि असिस्टेंट जो है उसको प्लम्ब जो होता है हमारा, उस प्लम्ब की रोड को क्या करना है, होल्ड करके रखना है, और जो उसने राइट वाला हैंड ऊपर किया हुआ है इसका मतलब है कि उसको राइट साइड में मूव करना है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लम्ब द रोड टू द राइट। ठीक है, प्लम्ब को, प्लम्ब रोड जो होती है आपकी उसको पकड़ के रखना है और राइट साइड में क्या करना है आपको, मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ये आप देख सकते हैं। इफ़ द हैंड्स एवव हीड सॉरी इफ़ द इफ़ बोथ हैंड्स एवव हेड एंड देन ब्राउट डाउन बाय द सर्वेयर, देन द एक्शन ऑफ असिस्टेंट इज। फ्रेंड्स कहना क्या चाह रहा है कि आपका जो सर्वेयर है, ठीक है, बोथ हैंड्स क्या हैं उसके ऊपर हैं, जो बोथ हैंड्स हैं उसने अपने ऊपर दोनों जो हाथ हैं अपने सर से ऊपर किए हुए हैं सर्वेयर ने, तो देन द एक्शन ऑफ असिस्टेंट, तो जो एक्शन होगा असिस्टेंट का वो क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि अगर आपका क्या था, ये सर्वेयर था, तो सर्वेयर ने जो अपने दोनों हाथ थे वो क्या कर लिए फ्रेंड्स, ऊपर खड़े कर लिए। ठीक है, तो दोनों हाथ उसने अपने ऊपर खड़े कर लिए, तो उस केस में मुझे बताना है कि उस केस में जो असिस्टेंट होगा उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका जो एग्ज़ाम होता है आपका DSSSB JEE का एग्ज़ाम जो हुआ था फ्रेंड्स लास्ट टाइम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जो UPSSSC का जो स्टेट एग्ज़ाम फ्रेंड्स होते हैं ना, स्टेट JEE लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अगर आपका सर्वेयर दोनों हाथ ऊपर कर लेता है तो उस केस में जो असिस्टेंट होगा उसका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है प्री एग्ज़ाम में। तो मूव स्लोली फॉरवर्ड, कि वो क्या करेगा आपका, मूव करेगा स्लोली मतलब धीरे धीरे फॉरवर्ड आगे की तरफ, या मूव कंसिडरेबली बैकवर्ड, या लगातार वो पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा, या फिर करेक्ट है या रॉन्ग है, ये सही है या गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। इफ़ द सिग्नल रेफर्ड बाय द सर्वेयर टू करेक्ट
द असिस्टेंट पोजीशन, यानी कि फ्रेंड्स जो सिग्नल होता है वो सर्वेयर द्वारा दिया जाता है असिस्टेंट को उसके करेक्ट पोजीशन के लिए। इफ़ बोथ हैंड्स एवव हेड देन ब्राउट डाउन द सर्वेयर देन असिस्टेंट शुड मूव कंसिडरेबली बैकवर्ड। तो उसमें क्या होगा, जो आपका असिस्टेंट होगा अगर वो दोनों हाथ ऊपर कर लेता है सर्वेयर, तो उस केस में असिस्टेंट को डायरेक्ट पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ मूव करना होगा। पीछे की तरफ क्या करना होगा, मूव करना होगा कंसिडरेबली, ठीक है, लगातार उसको पीछे की तरफ बढ़ना होगा। इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिग्नल जो होते हैं आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि इन सिग्नल की क्या कर दूँ मैं आपको एक इमेज की फॉर्म में बता दूँ कि अगर आपका जो असिस्टेंट जो सर्वेयर होगा अगर उसका रिएक्शन ये होगा तो असिस्टेंट का ये होगा, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इमेज के थ्रू आपके लिए एक लेक्चर उसके लिए बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से होता है, अगर आप एक बार इमेजिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको अगर देखने की या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपका सर्वेयर इस तरीके से रिएक्शन एक्शन करेगा तो जो आपका असिस्टेंट होगा उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वैसे आपने डिप्लोमा या अपने बीटेक कॉलेज के टाइम में आपने ये सारी चीज़ें देख रखी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप 7 देख सकते हैं, द मोर एक्सपीरियंस्ड ऑफ द चैन मैन शुड बी। जो आपका मोर एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और चैन मैन जो होता है वो कहाँ पर आपका होता है, रियर एंड पर होता है, इंटरमीडिएट एंड पर होता है, फाइनल एंड पर होता है, लीडर होता है वो। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि जो आपका मोर एक्सपीरियंस होगा, यानी कि आप चेनिंग कर रहे हैं और आपको पता है चेन में क्या होते हैं आपके दो हैंडल होते हैं, ठीक है, तो जो आपका मोर एक्सपीरियंस जो बंदा होगा आप उसको कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हमसे कह रहा है। ठीक है, उसको आप कहाँ पर लगाएंगे, रियर एंड पे, इंटरमीडिएट पे, फाइनल पे, या लीडर एंड पे। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अदर चैन मैन होल्डिंग द फॉरवर्ड हैंडल इज़ नोन एज लीडर। ठीक है, जो दूसरे एंड को पकड़ता है फ्रेंड्स उसको हम क्या होल्ड करके रखता है, उसको लीडर बोलते हैं। और जो मोर एक्सपीरियंस चैन मैन मेनली रेफर एज सर्वेयर, जो फ्रेंड ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसको यहाँ पे कहा कि मोर एक्सपीरियंस चैन मैन मेनली रेफर एज द सर्वेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वेयर। ही ऑलवेज प्रीफर्ड टू बी अ रियर एंड, उसको फ्रेंड्स कौन सा एंड दिया जाता है आपका, रियर एंड। जो रियर एंड होता है आपका आगे वाला जो एंड होता है फ्रेंड्स, वो किसको दिया जाता है आपका, वो दिया जाता है आपका जो मोर एक्सपीरियंस जो सर्वेयर होता है फ्रेंड्स, उसको आपका दिया जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका